नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं, वक्त भारत एट 9 का है। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। जब से टीवी ने होश संभाला है, तब से राजनीति में ज्यादातर कहने सुनने वाले मुद्दे होते हैं बिजली, पानी, सड़क, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार। राजनीति में ईमानदार होना हीरो होना होता है और भ्रष्टाचार यहाँ का मेन विलेन है। लेकिन गजब की बात यह है कि यहाँ विलेन अक्सर जीत जाता है। राजनीति में आजकल सिर्फ राज करने की बात होती है, नीति शब्द साइलेंट है। आज दिन में अचानक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे। ट्रेंड में लिखा हुआ था केजरीवाल एक्सपोज्ड, जिसके बाद दिल्ली बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए उनकी तरफ से। जब वो आरोप लगा रहे थे, तब कोई रिपोर्टर अगर लपक के पूछ लेता कि 2G का क्या हुआ, राहुल गांधी के जीजा जी का क्या हुआ, क्यों नहीं इसमें 2-4 लोग जेल चले गए, तो वो क्या बोलते, इस पर भी सवाल है। खैर, राजनीति में आने से पहले अरविंद केजरीवाल ने भी देश के तकरीबन हर बड़े नेता पर गंभीर आरोप लगाए थे और बाद में उसके लिए माफी मांग ली। केजरीवाल की आरोपों की राजनीति उनके काम आई और उन्हें सत्ता पर काबिज करवा गई। तब से ही ये केजरीवाल की आदतों में शुमार हो गया है। लेकिन ये हर जगह हिट और फिट होने वाला फॉर्मूला नहीं है। अरविंद केजरीवाल कितने प्रतिशत नेता हैं और कितने प्रतिशत आम आदमी, ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन वो जरूर कहते हैं कि वो 100% ईमानदार आदमी हैं। उनकी पार्टी के लोग आम आदमी लिखी हुई टोपी भी लगाते हैं और दूसरों को जगह मिलते ही पहना भी देते हैं। उनके ऊपर जो हालिया आरोप हैं, वो घर में जनता के पैसों से स्विमिंग पूल बनवाने को लेकर है। 2012 और 13 के अरविंद केजरीवाल अगर इस तरह के आरोप सुन लेते तो उसी स्विमिंग पूल में डुबकी लगा लेते। फिलहाल आरोप अलग चीज़ है, उस पर सच और झूठ का मिश्रण होता है। उसी मिश्रण के सच और झूठ को अलग अलग करने के लिए ये प्रोग्राम हम लोग शुरू करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने शुक्रवार यानी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी के लिए केजरीवाल जी के दरवाजे बंद हो गए हैं और अपने महल को ठीक कराने के नाम पर वो जनता की कमाई के 10 करोड़ से ज़्यादा रुपये खर्च कर चुके हैं। वो अपने बंगले के अंदर स्विमिंग पूल का निर्माण करवा रहे हैं। आदेश गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल का एक पुराना वीडियो दिखाते हुए ये सब बातें कहीं और आगे कहा कि चुनाव के दौरान गाड़ी, बंगला और सुरक्षा ना लेने की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल जी आज करोड़ों का दरवाजा लगवा रहे हैं। आम आदमी के लिए केजरीवाल जी के दरवाजे बंद हो गए हैं और अपने महल को ठीक कराने के नाम पर वो जनता की कमाई के 10 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च कर चुके हैं। वो यही नहीं रुके, उन्होंने आगे भी खूब कहा। तो उन्होंने आगे कहा है कि आम जनता अस्पतालों की बदतर स्थिति के कारण मरती रही, गंदा पानी पीकर कई सारी बीमारियों को दावत देती रही, ऑक्सीजन की कमी के कारण दम तोड़ती रही, राशन के बिना भूखी सोती रही, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को ऐशो आराम से सबसे ठाट से फुर्सत नहीं मिली। शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल को, ऐसा उनका कहना है। तो उन्होंने कहा है कि आम जनता को हर स्तर पर धोखा देकर सत्ता पर काबिज होने के बाद अरविंद केजरीवाल हर वो काम कर रहे हैं जिसका वो पहले विरोध कर रहे थे। दिल्ली के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अपने सरकारी आवास में स्विमिंग पूल बनवाने में व्यस्त हैं, माने बिजी हैं। गुप्ता ने दावा किया कि कोरोना काल में दिल्ली की जनता के सामने केजरीवाल सरकार की सारी हकीकत सामने आ चुकी है। तो ये सब दिल्ली के भाजपा चीफ ने कहा है। केजरीवाल खुद आरोप लगाने में माहिर हैं, तो कोई ना कोई उनकी टीम का आकर उनके इन आरोपों को हवा में उड़ा ही देगा, ये सामान्य सी बात है। वैसे एक वक्त था जब जनता भी आरोपों को खूब सीरियसली लेती थी, लेकिन कांग्रेस का वो दौर अब नहीं रहा। अब वक्त बदल चुका है। अब बात होती है तो देशभक्ति की, मतलब 1947 में आज़ाद होने के बाद जो देशभक्ति आई थी, पता नहीं वो लोग 70 साल में कब भूल गए, जो अब आजकल दिखाई जा रही है, सिखाई जा रही है। खैर, नेताओं का काम है, जिसका सत्ता इनाम है, लेकिन आजकल के नेताओं में सत्ता पर काबिज होने की जितनी मंशा दिखती है, अगर उसकी रत्ती भर भी मंशा जमीन पर काम करने को लेकर होती, लोगों के काम आने को लेकर होती, तो शायद हम भी कह सकते कि राजनीति के सहारे लोगों का भला हो सकता है। इन्हीं की पार्टी के नेता छोटे छोटे शहरों में समाज सेवा के रास्ते पार्टी में बड़ा पद पाने का सपना देखते हैं, लेकिन ये समाज सेवा किस वक्त करते हैं, ये बड़ा सवाल है। मसलन ज्यादातर वक्त ये राज्यों के पार्टी हेडक्वार्टर पर ही पड़े रहते हैं, मतलब राजधानियों में, और इन समाज सेवियों के पास महंगी महंगी गाड़ियां समाज सेवा करके कैसे आ जाती हैं, ये शोध का विषय है।
खैर वापस मुद्दे पर आते हैं, दिल्ली वापस आ जाते हैं। तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल खूब घेरे जाते हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच की फाइट सामने नजर भी आती है। कांग्रेस अब उनको बीजेपी की बी टीम बताती है, लेकिन उससे भी इतर छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को संघ का छोटा रिचार्ज कह दिया, जो सुनने में अटपटा लगा, समझ नहीं आया। कांग्रेस को अपने आईटी सेल से इशारों इशारों में बात करने वाले लोगों को हटा लेना चाहिए। चलिए वापस चलकर छत्तीसगढ़ से अब वापस दिल्ली आ जाते हैं। तो दिल्ली बीजेपी ने यही बस नहीं की है, बल्कि केजरीवाल सरकार पर बसों में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा खरीदी जाने वाली 1000 बसों में भ्रष्टाचार की बीजेपी की शिकायत के बाद खरीद प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। बीते दिनों ही उपराज्यपाल ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी का गठन किया था। ऐसे में अब जांच पूरी होने के बाद ही बसों की खरीद का मामला आगे बढ़ पाएगा। दरअसल दिल्ली सरकार की तरफ से 1000 बसों की खरीद और इसके रखरखाव के लिए JVM व टाटा मोटर्स लिमिटेड के साथ अनुबंध किया गया था, मतलब करार किया गया था, लेकिन इसमें वित्तीय अनियमितता के आरोप लग रहे हैं। अब भ्रष्टाचार की आशंका के चलते खरीद प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है। दिल्ली सरकार ने जनवरी में दोनों कंपनियों से कुल 890 करोड़ रुपए में 1000 लो फ्लोर बसें खरीदने का सौदा किया था, जिनमें 700 बसें JVM ऑटो लिमिटेड से खरीदनी थी और 300 बसें टाटा कंपनी से खरीदने के लिए अनुबंध हुआ था, करार हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। बसों की आपूर्ति शुरू होती उससे पहले ही विवाद शुरू हो गया। आरोप लग रहे हैं कि सौदे के बाद टेंडर की शर्तों में बदलाव करके इन कंपनियों को बसों की आपूर्ति होने पर पहले दिन से ही इनके रखरखाव के लिए भुगतान किए जाने का प्रावधान किया गया है, मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो पहले दिन से ही बना दी गई। प्रत्येक वर्ष इन कंपनियों को रखरखाव के नाम पर 350 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जबकि बस खरीद के टेंडर में कंपनी द्वारा 3 साल या फिर 2 लाख किलोमीटर चलने तक रखरखाव करने की शर्त शामिल थी। भाजपा विधायकों ने मार्च में इसकी शिकायत ACB से की थी। इस दौरान ACB ने दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशक को पत्र लिखकर जांच की अनुमति मांगी थी, लेकिन दिल्ली सरकार से अनुमति नहीं मिलने पर भाजपा के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को पत्र लिखकर मामले में इंटरफेयर करने की मांग की थी। इस मामले पर दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने जवाब देते हुए कहा है कि बीजेपी ने शिकायत की है और राज्यपाल ने उस पर जांच भी बैठा दी है। अब जब तक जांच कमेटी की रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, हमने बसों की खरीद की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। तो ये थी पूरी कहानी। मामला आरोप प्रत्यारोप का है, भ्रष्टाचार का है, इसलिए गंभीर नहीं है। इससे भी ज्यादा चिंता की बात है कि राजनीतिक पार्टियों की पार्टी से आम जनता के मुद्दे गायब क्यों होते जा रहे हैं। आजकल राजनीतिक पार्टियां सिर्फ सत्ता का सपना सजाए क्यों बैठी हैं? जोड़ तोड़, शाम दंड भेद, सब कुछ सत्ता पाने के लिए ही तो है। तो ऐसे में जब सारा गणित ही सत्ता का है तो जनता को जनार्दन कहना बंद कर देना चाहिए। जब पार्टियां और आपके नेता अपनी सहूलियतों के हिसाब से पार्टी बदल सकते हैं तो आप जाति धर्म पंथ के चक्कर में एक ही पार्टी के चक्कर में क्यों लगा रहे हैं। राजनीति में सफाई की जरूरत है, राजनीति को बेसिक सी बात कहूं तो लॉन्ड्री की जरूरत है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल एक बार फिर भारत एट 9 में एक नए मुद्दे के साथ बात होगी। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।